हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण चौधरी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक बार फिर हरियाणा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है हरियाणा जीके का। दोस्तों, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हरियाणा सीएचओ एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने टफ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और प्रीवियस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का अपना, सोहना का किला कहाँ स्थित है? तो आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो ऑप्शन ए रेवाड़ी, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी कैथल और ऑप्शन डी गुड़गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुड़गांव। यस, सोहना का किला कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में बागवाला तालाब कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी रेवाड़ी और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रेवाड़ी। यस, राज्य में बागवाला तालाब कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के नारनौल में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए चौर गुंबद, ऑप्शन बी राय मुकुंद दास का छत्ता, ऑप्शन सी जल महल और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। या दोस्तों, हरियाणा के नारनौल में ये तीनों स्थित हैं, चौर गुंबद, राय मुकुंद दास का छत्ता और जल महल। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जल महल कहाँ स्थित है, या फिर चौर गुंबद और राय मुकुंद दास का छत्ता कहाँ स्थित है। तो आपको कहाँ पे करना है? नारनौल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीरबल का रंग महल किस शहर के निकट है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी यमुनानगर और ऑप्शन डी पानीपत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यमुनानगर। यस, बीरबल का रंग महल किस क्षेत्र के निकट या फिर किस शहर के निकट है? यमुनानगर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए बल्लभगढ़ में, ऑप्शन बी स्थानेश्वर में, ऑप्शन सी अंबाला में और ऑप्शन डी रोहतक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बल्लभगढ़ में। यस, राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर स्थित है? बल्लभगढ़ में। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, बल्लभगढ़ में कौन सा किला स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा नाहर सिंह का किला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश में 45 पर्यटक परिसर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। देश में 45 पर्यटक परिसर यानी कि टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कैथल, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी पुडरिक और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कैथल। यस, हरियाणा के किस शहर में नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। या फिर हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। या फिर नवग्रह कुंड कहां पर स्थित है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कैथल। एक ही क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुड़गांव और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। यस, हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी पानीपत और ऑप्शन डी फरीदाबाद। दोस्तों, ऐसे टफ क्वेश्चन भी सीएचओ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फरीदाबाद। यस, भक्त कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था और सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है?
फरीदाबाद जिले में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए लूर, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी धमाल और ऑप्शन डी खोड़िया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धमाल। यस, हरियाणा के धमाल लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए झज्जर व महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी हिसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झज्जर व महेंद्रगढ़। यस, हरियाणा में धमाल लोक नृत्य को किस क्षेत्र में किया जाता है? झज्जर व महेंद्रगढ़ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी बांगर क्षेत्र, ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेवात क्षेत्र। यस, हरियाणा में मेवात क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए डफ, ऑप्शन बी मंजीरा, ऑप्शन सी नक्काड़े और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यस, मंजीरा लोक नृत्य में ये सभी बजाए जाते हैं, डफ, मंजीरा और नक्काड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए छठी, ऑप्शन बी लूर, ऑप्शन सी धमाल और ऑप्शन डी घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घोड़ा। यस, हरियाणा में घोड़ा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए डमरू नृत्य, ऑप्शन बी छठी नृत्य, ऑप्शन सी खोड़िया नृत्य और ऑप्शन डी लूर नृत्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डमरू नृत्य। यस, हरियाणा का प्रसिद्ध डमरू नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो इसका ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी गुड़गांव, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ और ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। यस, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्य कवि हैं? तो इसका ऑप्शन ए श्री उदयमान हंस, ऑप्शन बी पंडित नेकीराम शर्मा, ऑप्शन सी विशंबरनाथ कौशिक और ऑप्शन डी राजाराम शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री उदयमान हंस। यस, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? श्री उदयमान हंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? तो इसका ऑप्शन ए मार्च, ऑप्शन बी जनवरी, ऑप्शन सी फरवरी और ऑप्शन डी अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरवरी। यस, हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन किस माह में होता है? फरवरी माह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल ऑप्शन ए है पश्चिम को छोड़कर, ऑप्शन बी है उत्तर को छोड़कर, ऑप्शन सी दक्षिण को छोड़कर और ऑप्शन डी पूर्व को छोड़कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्व को छोड़कर। यस, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पूर्व को छोड़कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन ए नंदीग्राम, ऑप्शन बी नारनौल, ऑप्शन सी नांगल और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नंदीग्राम। यस, नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नंदीग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा किस स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी अंबाला और ऑप्शन डी करनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पानीपत। यस, हरियाणा सरकार द्वारा पानीपत को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने हरियाणा का नाम हराना रखा था? तो इसका ऑप्शन ए महाराज कृष्ण, ऑप्शन बी महाराज वैद्य
ऑप्शन सी महाराज वर्धन और ऑप्शन डी महाराज चांद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराज कृष्ण। यस, हरियाणा का नाम हराना किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। यस, हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी सोनीपत और ऑप्शन डी हिसार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिसार। यस, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? हिसार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी फरीदाबाद और ऑप्शन डी अंबाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबाला। यस, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? अंबाला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स सेकेंड की स्थापना कर रही है? तो इसका ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी सोहना, ऑप्शन सी बाड़सा और ऑप्शन डी जसौर खेड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़सा। यस, भारत सरकार हरियाणा के बाड़सा स्थान पर एम्स सेकंड की स्थापना कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम और ऑप्शन डी फरीदाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। यस, हरियाणा के गुरुग्राम जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।